आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं अरोमा जर्सी वर्सेस रियल मी बर्ड्स 2S एक मॉडल है जिसका आज मैं फुल रिव्यू कंपैरिजन करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहता है कि भाई जो एयरफोन्स अच्छे अच्छे ब्रांड के हैं ऑलरेडी, तो क्यों दूसरे कोई ब्रांड के नए ब्रांड को एयरफोन लो। बिकॉज यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है वो आपको समझ में आएगा, और ये बड़ा डिफरेंस है जो आपको समझ में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अरोमा है बहुत बढ़िया काम कर रही है, बिकॉज इसी की वजह से इसके सारे प्रोडक्ट्स आप खुद ही देख लो आप कितने सारे सेल हो चुके हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है। मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम में आपको यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी अपना खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं सिंपल आपको बताऊँगा तो आपको इससे पता लग जाएगा। तो छोटा ही मतलब शॉर्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। 500 रुपये का जर्सी है, 1500 रुपये का रियल मी है। तो क्वालिटी वाइज तो डेफिनेटली रियल मी एरोमा से आगे निकलता है। बेस भी उसके अंदर सही है, ट्रेबल भी सही है, सराउंडिंग स्टीरियो साउंडिंग है तो सही अच्छा है। एरोमा की बात करेंगे तो भाई इसके अंदर जो है साउंडिंग आपको मिलेगा, सभी चीज़ें हैं, मतलब ऐसा आपको कोई, लेकिन जो स्टीरियो का जो मज़ा जो आपको रियल मी बर्ड्स में जो मुझे देखने को मिला ना, थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि पंच बेस का उधर ज़्यादा, पंच दोनों का बेस सेम, मगर थोड़ा क्वालिटी वाइज थोड़ा मुझे थोड़ा रियल मी थोड़ा मुझे बेहतर थोड़ा मुझे लगा सुनने में, थोड़ा आपको मज़ा आपको थोड़ा आएगा। लो लेटेंसी है, गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सारे इसमें अच्छे अच्छे फीचर्स भी है, तो इस वजह से इसकी प्राइस 1500 रुपये फिर भी जस्टिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कॉल कनेक्टिविटी की, तो यार कॉल कनेक्टिविटी में भी रियल मी बर्ड्स ही आगे निकलते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर आप कॉल पे रहोगे आउटडोर में कहीं पर भी यूज़ करोगे तो मैंने देखा है कि, लेकिन फिर भी क्वालिटी उतना ज़बरदस्त कॉल माइक का क्वालिटी मेरे को देखने नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ है कि कॉल का टावर ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा था, जैसा नेक से बात कर रहे हो तो आपको साथ ऐसा नहीं कि आपको ज़ोर से बात करना पड़ रहा है। और एरोमा जर्सी के साथ भी यही है कि आपको ज़ोर से आपको बात नहीं करना पड़ता, तो दोनों चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि बैटरी की, तो यहाँ पर गेम चेंजर होगा। 20 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है, यानी कि एक दिन हैवी यूसेज में चलेगा, 2 घंटे चार्ज करने पड़ते, 20 मिनट चार्ज करने पर 7 घंटे का बैटरी बैकअप। तो मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता कि एरोमा जर्सी इस पे विन करने वाला, बिकॉज 20 मिनट के चार्जिंग पे आपको देगा 7 घंटे का बैटरी बैकअप, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। तो यहाँ पर अगर आप मुझे पूछोगे दोनों में से, क्योंकि एरोमा का आपको मिलेगा 1.5 घंटे का चार्जिंग पे आपको देगा 48 आवर्स का बैटरी बैकअप, 2.5 दिन आराम से चलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं मैं 1.5 घंटे ही चार्ज करके अपना 48 आवर्स चला लूँगा, तो एरोमा जर्सी बेस्ट है। और या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे कभी कभी 20 मिनट चार्ज करके 7 घंटे मुझे इमीडिएटली मुझे चाहिए, मुझे ऑन करना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर डिफ़िकल्ट है, मगर क्योंकि देखो प्राइस अगर आपका 500 रुपया ही है तो एरोमा जर्सी लो, लेकिन अगर आपका प्राइस 1500 है तो मैं आपको बोलूँगा कि और बहुत सारे अच्छे अच्छे नेक बैंड और है जिसमें आपको और भी बढ़िया फीचर मिलेगा, प्लस बैटरी भी आपको ज़्यादा मिलेगा, क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, तो वो भी एक बार ज़रूर देख लेना।